तो हम श्रीनगर से आरंभ करते हैं, जहां से पहले हमें जाना होता है पहलगाम। छियानवे किलोमीटर का ये मार्ग हम बस से तय करते हैं। यहीं से शुरू होती है अमरनाथ की मुख्य यात्रा, जिसका प्रबंध कश्मीर सरकार द्वारा किया जाता है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। यहां समुद्र तल से हम होते हैं 7,200 फुट की ऊंचाई पर। यह क्षेत्र अपनी सुंदरता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हमारी जरूरत की सभी चीजें यहां उपलब्ध हैं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो बहुत ज्यादा सर्दी का होना स्वाभाविक है। इसलिए हमें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में ऊनी कपड़े तो रखने ही होते हैं, क्योंकि जरा सी बरसात हुई नहीं कि ठंड को बर्दाश्त करना और भी मुश्किल हो जाता है। परंतु भृगुपति तीर्थ के दर्शन करके और महात्मा सुनकर हमारे अंतःकरण की जो शुद्धि होती है, उसका वर्णन तो शब्दों के बस की बात ही नहीं। सबसे पहले तो ये याद रखें कि यूं तो श्री अमरनाथ के दर्शन जब चाहे कर सकते हैं, किंतु श्रावण मास में शिव पूजा तथा दर्शन का विशेष महत्व है। यहां से आगे का मार्ग हमें तय करना होता है घोड़ों पर या फिर पैदल ही। यहां से चंदनवाड़ी का 16 किलोमीटर का मार्ग काफी सरल है। यहां हम समुद्र तल से 8,500 फुट की ऊंचाई पर होते हैं, परंतु इसके बाद पिस्सू घाटी तक का मार्ग कठिन चढ़ाई चढ़ने का हमारे लिए एक यादगार अनुभव बनकर रह जाता है। यही वो पहाड़ है जिस पर भगवान शिव के दर्शनों के लिए एक दूसरे से पहले चढ़ने का हठ करते देवों और दानवों में बाहु युद्ध छिड़ गया था
और भगवान शिव की कृपा से देवों ने दानवों का चूर्ण कर दिया था। उसी चूर्ण का ढेर बनने से ये पर्वत पेषण नाम से प्रसिद्ध हुआ। भक्तों का विश्वास है कि इसके दर्शन से भूत प्रेत पिशाच का भय समाप्त हो जाता है। जो श्रद्धा और भक्ति से इसे नमस्कार करता है वो मुक्त हो जाता है, और जो चार शीतिकंठ मंत्र का जाप करता हुआ इस पर चढ़ता है वो ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेता है। चलो रे इसके बाद जोनपाल नाम के चारागाह से गुजरते हुए एक यात्रा मार्ग से हम पहुंचते हैं शेषनाग। समुद्र तल से 11,730 फुट की ऊंचाई वाले इस क्षेत्र में यूं तो एक डाक बंगला भी है, परंतु यात्रा काल में यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण यहां तंबू लगाकर ही ठहरना पड़ता है। यहां से 13 किलोमीटर का मार्ग तय करके हम पहुंचते हैं पंचतरणी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी होने से यहां तक के मार्ग में ठंड इतनी ज्यादा होती है
कि अपने चेहरे पर वैसलीन जैसी कोई चीज लगाए बिना आगे बढ़ना असंभव सा लगता है। कहते हैं यहां तांडव नृत्य करते हुए भगवान शिव का जटाजूट ढीला हो गया था और उसमें से 5 धाराओं में गंगा प्रकट हुई थी, तभी इसे कहते हैं बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने वाली पंचतरणी गंगा। मान्यता है कि यहां गौचंदन, सोना, वस्त्र, केसर, कस्तूरी का दान करने से शिव धाम की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल इन 5 पवित्र नदियों में स्नान करके पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए चलते हैं। यहां तक अमरनाथ यात्रा का अधिकतर मार्ग तो हम तय कर ही चुके हैं, इसलिए आगे की 6 किलोमीटर की यात्रा उत्सुकता से परिपूर्ण होती है। पाएगा रत्नों का भंडार खजाना।
मत फिरना बेकार जगत में माया के जंजालों में बीत रहे हैं दिन व्यर्थ तुम्हारे पल पल क्षण क्षण सालों में अरे नर्तन क्या हर बार दीवाना पाएगा कल शिव जी के द्वार ठिकाना पाएगा रत्नों का भंडार लगाना पाएगा तू खुशियों का उपहार मनमाना पाएगा कल भोले के द्वार ठिकाना पाएगा इसके बाद हमारे मुख से हर हर महादेव का जय घोष और फिर वो घड़ी जब हम प्रवेश करते हैं दूर दूर तक फैले बर्फ के पहाड़ों के बीच 60 फुट लंबी 30 फुट चौड़ी और 15 फुट ऊंची अमरनाथ गुफा में तो देखिए यही है वो अलौकिक और कभी ना भुलाया जाने वाला दृश्य जो हमें ऐसी आत्मिक शांति ऐसे उल्लास और ऐसे आनंद का आभास कराता है जिसे इससे पहले ना तो हम कभी जान सके और ना ही जिसकी कभी कल्पना कर सके। इस ओर हैं बर्फ की दो आकृतियां जिन्हें गणेश और माता पार्वती कहकर पूजा जाता है। सावन की पूर्णिमा को यहां अंतिम छड़ी पहुंचती है। कहते हैं पूर्व काल में ये छड़ी नागराज तक्षक ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करके प्राप्त की थी। उनकी माया वही जान है, परंतु ये तो जग प्रमाणित है कि ये शिवलिंग वर्ष प्रति वर्ष मंद गति से क्षीण होकर एक वर्ष पश्चात अमावस्या को
फिर से अपने आप बढ़ने लगता है और श्रावण की पूर्णिमा को फिर से अपने पूर्ण रूप में प्रकट हो उठता है। शायद हमें इस सत्य से अवगत कराते रहने के लिए कि रूप भले ही बदलते रहें, परंतु मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। संपत्ति पावे। ओम जय शिव,
आवे।